जो भी डायट डी ठीक है, ये वापस बोल रहा हूं मैं, ये हमारे लिए नहीं है, आप लोग के लिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पे आदमी जब डायट होती है तो उसको लेके जाते हैं। अब डायट देखो, अभी तो स्केलर वेक्टर काइनेमेटिक्स वही सब चल रहा है, कैलकुलस वगैरह, इसमें डायट के क्वेश्चन अब तक वही वही इजी लग रहे होंगे, स्केलर वेक्टर वगैरह सब कुछ राइट। बट ये एक हैबिट है, जैसे और आगे चार टॉपिक जाएंगे ना तो डायट कंबाइन भी आ सकती है, वेट कंबाइन भी आएगी, तो उतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप समझ लो। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से करने हैं, मतलब जैसे इधर आपने डाइट दी, बीपीपीज दी, नहीं हुआ, कितने लोगों जो डाइट हुआ है उसको वापस टच करते, खुद सॉल्व करते वापस जाके घर पे। मैं अभी एक दो लोग के हैंड रेस करके बाकी लोग भी हैंड रेस करने लगे, ठीक है। तो गाइज ये करो, मतलब एक डाइट सपोज यहाँ पे 30 मिनट्स की होगी, उसमें 5 क्वेश्चन आपने लोगों सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि पता है आपके पेरेंट टीचर मीटिंग में आपके मार्क्स देखे जाएंगे, सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, इधर उधर से देख रहे हो, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे बाजू में बैठा है, कितना भी कोई भी यहाँ पे आके कैमरा लगा दिया तो ऐसे करके देख ही सकता है, ठीक है। वो मार्क्स सबको आ जाएंगे, आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, लेकिन अंदर से क्या, तुम्हारा खुद का क्या होगा, ठीक है। तुम तो सफर कर ही रहे हो ना, तो वही जाके घर पे जाके उस डेट को वापस करना, उसमें कुछ क्या नहीं आ रहा है उसको वापस करना, ठीक है, ये आपका काम। वो नहीं कोई कर रहा होगा तो भाई गलत ट्रैक पे, गलत ट्रैक पे मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा, सीईटी या इसका तो आ जाएगा, बट अच्छा वो भी नहीं आएगा, मतलब अभी ऐसा करते रहोगे पूरा का पूरा 1-2 साल तो वो भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा मेहनत उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियसनेस खुद के लिए होना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो देखो, हम तो हमारे लिए सीरियस ही, तो हम तो हमारा करीब है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा क्लास चलता रहेगा, ग्रोथ किसकी होगी, हमारी तो होती रहेगी भाई, हम तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और भी कमाएंगे, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा 6-7 साल के बाद, ठीक है, वो सोचो और पढ़ना चालू करो। ये क्या हो रहा है भाई, सीन हो रहा है क्या यहाँ पे, कोई इसको पावर पॉइंट को यूज नहीं करता क्या, लॉग आउट हुआ है तो सर बताइए, सेंस बोर्ड कर लेते सर, अभी ये मुझे अभी यूज तो नहीं है, ठीक है। ये किधर है, मुंह वाला चीज किधर है, ये इधर है ना, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते काइनेमेटिक्स, कहाँ पे थे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसको यहाँ इरेजर किधर, इरेजर हाँ, वो क्रॉस को पकड़ के लेते हैं, इधर रखते हैं, हाँ हाथ से भी कर सकते हैं, अभी वो क्या आदत नहीं है ना, ठीक है। तो एक मिनट, ये वाला लाइट नहीं बंद करेंगे भाई, पीछे वाला लाइट बंद कर, ठीक है, ये वाला तो नींद में आ जाएंगे तुम क्या, वो मुझे पता चला वो भी आज उनकी लगेगी, उनकी आज आज रिमांड पे लेंगे उनको, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो, अभी 2 ही दिन हुए ना, सेकंड है ना आपका सुबह, थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह का अभी वो नींद वाला फीलिंग होगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे कराऊं 7-8 डेज में, 10 डेज में आप यूज्ड टू हो जाओगे,
अरे एक पहला दूसरा दिन है ना, तुमको सोना है बोलो ना ठीक है, वो तो वो अभी नहीं होगा, वो एक देखो कैसा होता है कि हर जगह पे एक बार मिस्टेक होती है, अब उनसे एक बार तीसरी बार मिस्टेक होगी तो वो रहेगा ही नहीं यहाँ पे, तो उसको भी अपनी जॉब की पड़ी है ना, उसका टेंशन मत लो ठीक है। तुम तुम्हारा काम करो भाई सुबह उठने। देखे तो दुखी हो गए, बोलते हैं यार यार क्या, मैं तो अभी बोल रहा था कि सर क्या फायदा आज, तो मतलब आज एक दिन हुआ है कि आधा घंटा खड़े होने को हुआ है, तो अभी इसको ही लेके हम लोग बोलेंगे सर लेक्चर मत रखो सुबह। चलो तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का अपन टू डायमेंशन मोशन देख रहे थे ठीक है, अब टू डी मोशन में सबको याद है मैंने पिछले इसमें क्या किया था, मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, वो भी अरे होमवर्क दिया था, तीन क्वेश्चन दिए थे ठीक है, और फिर एक्स और मां से कुछ दो क्वेश्चन दिए थे, तीन क्वेश्चन हमारे एक तीन पार्ट, तीन पार्ट ठीक है। तो क्विकली आप पहले ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन करो फटाफट, चलो ये क्वेश्चन पहले आप करोगे ठीक है। ठीक है ये स्पीड मतलब इसका ये इनिशियल वेलोसिटी है, लेट्स से 5√2 मीटर पर सेकंड, एंगल सपोज दिया है मेरा 45 डिग्री ठीक है, और ये सपोज लाइक दिया है 100 मीटर हाइट ठीक है। तो अब बोलो यहाँ पे ये जो बॉल अपन ने थ्रो किया ये ऐसा करके इधर गिरेगा ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करो कितना इसको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये इसको यहाँ पे कैलकुलेट मतलब नीचे गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा, और रेंज बताओ कितनी होगी। टाइम कितना होगा और रेंज कितनी होगी, ये सेम क्वेश्चन दिया था जिन्होंने जिन्होंने किया है वो एज अ होमवर्क वापस फटाफट कर लो ठीक है बट नहीं मतलब एक बार किया है तो ऐसे क्विकली रफ में एकदम रफ में वही चीज फास्ट वाला करके देख लो ठीक है, आपका पिछले वाला सॉल्यूशन मत देखो, खुद से करो बट फास्ट से करो।
ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, पहली चीज ये फाइव है, अब सब लोग देखो ये फाइव रूट टू है, ये कौन सा मोशन है? टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन मोशन को सॉल्व करने के लिए अपने को पहले इसमें दोनों को किसमें कन्वर्ट करना, स्टेप्स याद करो, पहले वन डायमेंशन कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूएक्स एक्स यूआई ए वाई। अब मुझे बताओ पहले तो यूएक्स कितना है यहाँ पर, हाँ तो यूएक्स की वैल्यू होगी फाइव रूट टू कॉस 45, विच इज कितना 5, यूआई कितना है 5 ऊपर है ना, हाँ फिर अपन एक्स और एवाई की वैल्यू लिखते हैं। अब एक्स और एवाई तो एकदम इजी है, एक्स कितना है तो एक्स की वैल्यू 0 है क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ नीचे है और ये फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 है और एवाई की वैल्यू कितनी है -10, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कहां पे नीचे। ये मुझे तो सबको लिख क्या लिखने आ गए, ये पिछले लेक्चर में हुआ था, ठीक है। अब जब ये यहां से यहां पे गया तो कौन सा कंपोनेंट कहां से कहां पे गया, वाई कंपोनेंट ऊपर जाके कहां पे आया, नीचे। अभी ऊपर जाके सपोज नीचे आया तो कोई यहां पे बोलो मुझे कि यहां पे वाई कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना, कितनी है वो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई कितना है 100 नीचे, तो सारे के सारे आई कैप जे कैप वाले वेक्टर्स हैं। बट आपको होता है वन डायमेंशन मोशन इन लोग आई कैप जे कैप लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो अब हम लोग वाई एन एक्स, तो एस वाई पता है, एस एक्स पता है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन पता है नहीं, जो इसको इसकी हम लोग रेंज बोलेंगे ना, ये पता नहीं, वो तो निकालना है, टाइम नहीं पता है निकालना है। तो पहले तो कौन सा फॉर्मूला अपन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज, क्योंकि पता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान रखने सारे वेक्टर्स ही होते हैं, बट अपने को पता है ये अलॉन्ग वन डायरेक्शन वन डायमेंशन मोशन है, तो हम लोग प्लस एंड माइनस साइन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, -100, ध्यान रखना क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, यू आई 5t, ए वाई -10, तो -0.5 × 10 × क्या टी स्क्वायर। तो ये ऐसा क्वेश्चन अपने 5t² -5t -100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 555 कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस कितना 20, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। सबको समझ में आया, अब टी इज इक्वल टू 5 जो है यही तो टाइम है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, याद करो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से यहां पे जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5। अब इसको सॉल्व करने का काम किसका है तुम्हारा, ये तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो भाई थोड़ा सा इसमें भी स्पीड बढ़ाओ, कुछ लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए टाइम लग रहा है, मतलब आपका मैथ वीक है, स्ट्रांग बनो, ठीक है। जो जो चीजें देखो आपको ना एक काम कर सकते हो, ठीक है, सब लोग अभी आगे के 2 महीना खुद को ऑब्जर्व करना है, एक पेज बनाओ आपके पूरे नोटबुक में कहीं पे भी एक पेज बनाओ, उस पेज में ना जितने भी अपनी वीकनेसेस है, खुद को समझ में तो आया होगा, आपके बाजू में जो बैठता है वो फास्ट करता होगा तो वो तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लेकिन तुम्हारा वीक पॉइंट है, तो सारे वीकनेसेस लिखो, सारे वीक पॉइंट्स लिखो, जब तक आपको आपके वीक पॉइंट्स लिखोगे नहीं और रोज देखोगे नहीं ये मेरा वीक है, इसके ऊपर काम किया क्या मैंने, तब तक कुछ नहीं अच्छा होगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें लिखते जाओ, कुछ लोगों का इमेजिनेशन, कुछ लोगों का क्वेश्चन पढ़ के, मैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का तो क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, कुछ लोग को नहीं, 99% लोग अभी बोलो ना मैंने अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ोगे पर वो क्वेश्चन पढ़ के उसको डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसके ऊपर तो ये सब कुछ वीकनेसेस आप खुद लिखो, एक पेज बना दो उसको रोज देखो, ठीक है, और उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलो तो टी इज इक्वल टू 5, टाइम टी इज इक्वल टू 5 लगा, ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई लगाया ना, अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग क्या लगाएंगे एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स की वैल्यू क्या होगी, यूएक्स टी प्लस क्या हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स क्या है, यूएक्स की वैल्यू कितनी है 5 इंटू टाइम भी कितना है 5 भाई 5 एंड 5, ए की वैल्यू कितनी है, ये कितना है 0 है, तो इसका आंसर कितना है 25 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें, ये सबको समझ में आया, हाँ बोलो, एक जीरो कैसे मिला, क्योंकि ग्रेविटी एक पहले लेक्चर का क्वेश्चन है, इसके पहले लेक्चर की ग्रेविटी नीचे होती है, ठीक है,
बताता हूं, सब लोग यहां पे देखो, ये हो गया थोड़ा सा, और लेक्चर इधर आने के पहले पहले वाला लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी है और उसके नोट्स भी है ना, रिवाइज करके आओ थोड़े से, भला होगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ लोग जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अरे भाई चल क्या रहा है, ऐसा कोई है यहाँ पे कि कौन सा पिक्चर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सुनो सब लोग वापस, मैं एक एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कंपोनेंट्स कैसे निकालने समझ में आता है, तो मुझे मैं एक एक सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक ये ग्रेविटी है, ठीक है, जो नीचे है, ये ग्रेविटी है जो कि कहां पे है, नीचे, कितना है, 10 m/s², ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, कोई बोलो इस ग्रेविटी का, ये एक्सेलरेशन है ना, इन शॉर्ट इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा। कंपोनेंट कैसे होता है कि समथिंग कॉस समथिंग, राइट, मतलब जैसे 10 है कॉस 90 कितना है, 0, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, 0, और इसी का वाई कंपोनेंट क्या है, ये खुद जो कहां पे है, नीचे, तो ये कितना है बेसिकली -10 j², मतलब माइनस क्या, अपन साइन कन्वेंशन यूज करते, ठीक है। वही चीज मैंने सपोज ऐसे बोली, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब वही चीज मैंने सपोज ये बोली कि एक 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 छोटा सा, मतलब ये एग्जांपल, क्योंकि ये सेम एग्जांपल में वहां पे आने वाला है। अब मुझे बताओ कि सपोज ये एक वेलोसिटी है, राइट, ये वेलोसिटी खुद दिया है, लेट्स से 10 m/s अलोंग एक्स एक्सिस है, तो कोई बोल सकते इस वेलोसिटी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट कितना, 10, तो यूएक्स की वैल्यू 10 और वाई कंपोनेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब मुझे होता है इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट, क्योंकि काम में आने वाले अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये जो अभी मैं पूछ रहा हूं अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए। अभी सपोज मुझे होता है एक्स एंड वाई एक्सिस कुछ भी कर सकता हूं मैं, ये हो गया मेरा एक्स एंड ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, देखो मैं अपने हिसाब से करा सकता हूं कि अच्छे क्वेश्चन में काम आएंगे, ठीक है। अब मैंने सपोज इधर ये पूछा हुआ है, ठीक है, अब ध्यान में रखना, ग्रेविटी में यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक है, ग्रेविटी, चलो मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ करूं, और ग्रेविटी का वैल्यू कितना दिया है मैंने अपन ने, 10 m/s², और ये जो मेरा एंगल है, ये लेट्स से मैंने एंगल बोला 30 degrees, सपोज, ठीक है, तो बोलो इसमें ग्रेविटी के एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या होंगे, निकालो, निकालो निकालो, बाकी लोग निकालो, चलो एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या होंगे, गाइज एक बात बताऊंगी, ठीक है, पहले मुझे बताओ, अब कुछ लोग को ना इधर में ड्रॉ करूंगा ना, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला आपको, वेक्टर्स पहले यहाँ पे देखो भाई, सब लोग देखो, वेक्टर्स कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, क्या मैं इसको इधर ड्रॉ करूं, इधर ड्रॉ करूं, इधर ड्रॉ करूं, मैं इधर ही इसके कंपोनेंट ले लूं और यही कंपोनेंट मैं इधर ड्रॉ करूं, उधर ड्रॉ करूं, सब सेम ही है कि नहीं। अब कोई बोलेगा सर इधर मेरे को समझता है, ठीक है, अब इधर ही इसका कंपोनेंट निकाल के देखो, तो ये 10 है, एंगल के बाजू वाला हमेशा क्या बोलते हैं, और एंगल और एरो देखो, एरो कहां पे, ऐसे ना ऊपर ऐसा एरो होगा, नहीं एरो ऐसे, इसका एरो कैसे होगा, ये सबको समझ में आ रहा है। अब एंगल के बाजू वाला कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, 10 cos 30 कितना, 5√3, 10 sin 30 कितना, 5, ये आपको सबको समझ में आ रहा है क्या।
अब कोई बोलेगा सर मुझे इधर नहीं समझ में आया, तो ये मुझे एक मिनट, अभी मुझे तो AX एंड AY क्या हो, AY तो नीचे, अब ये 5√3 आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये नीचे मतलब क्या माइनस, और ये AX भी इधर ड्रॉ करोगे तो भी नीचे है ना, मतलब क्या माइनस माइनस, दोनों माइनस, तो AX की वैल्यू क्या होगी साइन कन्वेंशन माइनस 5, AY की वैल्यू, ये आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कोई बोलेगा सर मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करने को नहीं आ रहा, मैं ड्रॉ करूंगा सर इधर, ठीक है कर लो भाई इधर ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सपोज, ठीक है, अब एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, अब यहाँ पे डायरेक्टली पैराग्राम लग जाए, ये भी पैराग्राम ही है बट आप लोग को जनरली हम लोग को आदत है वो 0.0 से करने की, ठीक है, बट तुम मुझे तो इधर ड्रॉ करो इधर ड्रॉ करो इधर ड्रॉ करो इधर ड्रॉ करो, फर्क पड़ता है, तो ये चीज दिमाग में रखना सर, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम में आने वाला है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन, दो प्रोजेक्टाइल ये सब में काम में आने वाला है, ठीक है, तो दिमाग में रखना है। नहीं सब निकालने को पूछेंगे, बस तुमको इतना ही कि वेक्टर जो है मतलब क्वेश्चन आएगा तो अपन देखेंगे, ठीक है क्वेश्चन आएगा तो अपने को देखेंगे, पहले मुझे तो ये सबको समझ में, अब यहाँ पे भी आप ड्रॉ करोगे तो सेम ही होगा कि नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या AY, ये हो जाएगा मेरा AX, काम खत्म, ठीक है, चलो काम आएगा गाइस, ये काम आएगा, अभी मुझे कोई अभी कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है ऐसा करके धीरे धीरे जाना इसको, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे का आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छी वाली चीजें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है उसको सॉल्व करेंगे, अब यहां पे जब लोग देख लो पहले एक क्वेश्चन, ठीक है क्विक क्विक, ठीक है, अब मुझे बताओ ये सपोज 40 मीटर का टॉवर है, ठीक है 40 मीटर का टॉवर है, मैंने एक बॉल को थ्रो किया कुछ 50 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और कैसे थ्रो किया, देखो ये चीज दिया रहेगा हॉरिजॉन्टली, द बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब कैसे, हाँ मतलब 90 डिग्री का, ठीक है, तो इस केस में मुझे बताओ फाइंड द रेंज एंड टाइम, फटाफट बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और रेंज कितना होगा, और आंसर निकल के अपने पास ही रखो मैं देख लूंगा, टू डायमेंशन को वन डायमेंशन में कन्वर्ट करो, UX, AX, UI, AY लिखो और उसके बाद सॉल्व करो, सही
चलो अभी पहले तो मुझे एक बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 50 मीटर पर सेकंड है यहां से यहां पे हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात, यूएक्स एक्स यूआई ए वाई, तो अब मुझे तो एक्स एंड वाई कहीं पे भी बना सकते हो। अरे यहां पे बना दो, यहां पे बना दिया अभी तो भी सेम ही है, यहां पे बना दिया तो भी क्या है, आप बस उस एक बार बना दिया ना तो उधर से फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे बना दिया, अब क्वेश्चन में जहां पे बनाते हो ना फिर वहां से फॉलो करना चालू करो, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया अब यही रहेगा, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस बन गया। अब इस केस में ये खुद इधर है बराबर, मतलब यूएक्स की वैल्यू कितनी है 50, यूआई की वैल्यू 0, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, यूएक्स 50 यूआई, हाँ, एक्स 0 ए वाई माइनस 10, मैं डायरेक्टली अभी लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब जब यहां से यहां पे आएगा कौन सा इंफॉर्मेशन पता है वो ढूंढना पड़ेगा, अभी हमेशा डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगी, किस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा इंफॉर्मेशन पता है, फिर जे एडवांस के क्वेश्चन बन जाएंगे या जेई मेन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे उस केस में, ठीक है। तो अब केस में, इस केस में तो पता है, इस केस में क्या पता है भैया, इधर से इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे है, इधर से इधर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई कितना माइनस 40, तो पहली अपने को समझ में आया कि अभी वापस वही इक्वेशन लगाना, कौन सा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है, एस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 40, यू वाई की वैल्यू 0, ए वाई की वैल्यू माइनस 10। अब गाइस एक चीज आपको एक समझ में आनी है, कुछ लोगों को, कुछ लोग जब क्वेश्चन पूछ देता हूं मैं तो ब्लैंक हो जाते, ठीक है, तो इस केस में आपको अभी तो क्लास में तो आप नहीं कर सकते, बट घर पे जाके यही क्वेश्चन करके ना बोल के करो, बोल के करो मतलब क्वेश्चन दिया कैसा खुद से बोलो कि भाई अभी क्या करो, क्योंकि इमेजिनेशन देखो, आप जब ऐसा रहोगे और इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो ब्लैंक, बोलो भाई कि सर हाँ अभी बॉल ऐसे थ्रो किया है, सर ने क्या बोला था, पहला स्टेप था ए एक्शन, ये बोल के करो भाई, आपके आपके घर में बोलेंगे लोग ये कर क्या रहे, बट चलेगा, क्यों, क्योंकि आपको आपका इंप्रूवमेंट करना है ना, मैं आपको बोला ना आपके वीकनेसेस लिखो, तो यही सब वीकनेसेस लिखो, ठीक है। चलो तो ये हो गया, तो टी की टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8, तो टी की वैल्यू कितनी है 2√2, अब 2√2 सफर टाइम आ गया, यही तो टाइम ऑफ लाइट है, अब यहां से यहां पे हमने थ्रो किया, रेंज निकालना, रेंज कैसे निकालोगे, सिंपल वापस वही चीज, एस एक्स इज इक्वल टू क्या यू एक्स टी, अब हाफ एक्स टू स्क्वायर तो 0 ही है, बट चलो लिख देता हूं, ठीक है, ये चीज 0 है, ux की वैल्यू कितनी है 50 और टाइम कितना है 2√2, तो आंसर कितना है 100√2 मीटर। गाइस ये होगी मेरी रेंज, सबको समझ में हाउ टू सॉल्व प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन, क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है, टू डायमेंशन में, सॉरी टू डायमेंशन का वन डायमेंशन में कन्वर्ट, काम खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये भी अच्छा है वैसे, ये बोर्ड भी अच्छा है, मतलब ये वाला, बट इतना है कि इसको ऐसा करने के बाद ना एक बार कहीं पे सर क्या करना है, ओ वापस बोलो, मार्ट हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहां पे सब लोग देखो, अभी मुझे मुझे एक बात बताओ कि सपोज हम लोग ने अभी नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहो, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तो हो गया, अब क्विकली सीटी जैसे एग्जाम्स में या इवन नीट जैसे एग्जाम्स में कभी कभी अपने को फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन टाइम भी तो मैटर करता है, ठीक है, और ये सब चीजें तो अगले साल देखो, मैं एक साल तो आपका हम लोग पढ़ेंगे, इवन नीट स्टूडेंट्स पढ़ेंगे एप्लीकेशन बेसिस के ऊपर, एक साल के बाद आप फॉर्मूला बेस पढ़ोगे, एक साल के बाद, अभी फॉर्मूला बेस पढ़ोगे नहीं, अभी आपको मेथड बेस पढ़ना है, एक साल के बाद आपको 80% फॉर्मूला 20% मेथड, 80% फॉर्मूला 20% मेथड, सीईटी 100% कुछ नहीं फॉर्मूला, ठीक है, जेई
80% मेथड 20% फॉर्मूला। अभी आजकल लेकिन जेई का पेपर इजी था तो 50-50% हो गया था। एडवांस कंप्लीट मेथड, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब अलग अलग, और फिर बिट सैट पीआईटी सब इनका सबका मिक्स मैच है, ठीक है। चलो तो अब गाइज यहाँ पे देखो, अब मैंने सपोज क्विकली ये आपको डिराइव करना, मैंने यू से एक बॉल को थ्रो किया, स्पीड यू है इसका, एंगल इसका थीटा है, ठीक है, तो ये बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, बराबर, यू दिया है थीटा दिया है तुम, और ग्रेविटी कितनी दी है जी। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए, अब जी जो है वो जी ही रहेगा, अब जी की वैल्यू कभी कभी 9.8 देंगे, कभी कभी 10 देंगे, जो भी दिया रहेगा, जी यू एंड थीटा में फाइंड टाइम एंड फाइंड रेंज। पहले क्या करोगे आप, यूएक्स एक्स इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा, फिर क्या करोगे इधर से इधर गए, वाई कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो ना, उसे सब टाइम कैलकुलेट करो, पहले टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करो, पहले टाइम कैलकुलेट करो, उसके बाद रेंज कैलकुलेट करो और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो, पहले आप लोग करोगे फिर मैं करूंगा, फिर मैं मतलब क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। टाइम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, जी को जी रखना है, जी को जी रखो, यू को यू रखो, थीटा को थीटा रखो, अपन बना रहे फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव कर रहे, फिर वो फॉर्मूला याद भी रखेंगे अपन, और सुनो आप लोग को मतलब सबको बता दो, थोड़ा सा मैंने अभी क्या किया है, अभी अपने कंफर्ट जोन से उठ के मैंने भी कुछ कुछ रोज रील बनाने चालू किए, अभी तक तो उसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, अपलोड अभी करूंगा, रोज बना रहा हूँ मैं, रोज एक 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 रील, ठीक है, तो मैं बाद में किसी को कैमरा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अराउंड 2 महीने में कराउंड 150 रील चाहिए जो भी अपलोड होंगे, समझ रहे हो, तो क्या, हाँ तो तू जो है ना, मैं एक फंडा दूंगा यहाँ पे बाद में लेक्चर की, इसमें एक फंडा दूंगा और कैमरा इधर उधर भी करेगा, मेरे ऊपर भी करके 1-1.5 मिनट का मैं आपको एक मोटिवेशन वाला कुछ दूंगा, ठीक है, ये अपन करते रहेंगे, अभी अलग अलग लेक्चर में अलग अलग फंडे हैं, यूट्यूब पे ही सब सब जगह अपलोड है, और मेरी जिंदगी में सोचा यार कुछ अलग कर लेते, अभी इतना पढ़ा तो लिया है, अभी पढ़ा ही रहे, सब लोग ऐसी रील्स बनाते हैं ना यार, नहीं मैं क्या समझा नहीं, तू क्या पूछा, अरे वो भी करेंगे, अरे वो भी करेंगे, अभी थोड़ा सा मतलब अभी जोशीला भी सिखाएंगे ना अंदर, समझ रहे हो, कुछ 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 लेके आऊंगा मैं, कभी कुछ दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे, ओके हाँ वो पता नहीं, वो भी वो तो उनका काम है, चलो अभी अभी फटाफट बता दो, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, थीटा दिया है, टाइम एंड रेंज कैसे निकालोगे, टाइम निकल गया क्या किसी का,
अरे यूआई को लिखो ना साइन एंड यू एंड थीटा में, चलो पहले टाइम पीरियड निकालो, मतलब फिर मैं देखो पहले टाइम पीरियड निकालो फिर मैं करवा दूं, ठीक है आपने। चलो एक मिनट, सब लोग यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, ये पहले क्या लिख रहा है, पहले क्या लिखना है, यूएस एक्स यूआई, तो यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यू क्या डायरेक्ट क्या ऐसा, हाँ वो सब कुछ रब कर देते, वो किया था मैंने एक बार, यू कॉस थीटा और ये क्या है यू यू आई कितना है, यू साइन थीटा, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। ए वाई की वैल्यू कितनी, ए वाई की माइनस जी, अब ध्यान में रखना माइनस जी को माइनस जी रखेंगे, मतलब माइनस टेन या माइनस 9.8 मत लिखो, वो उसको उतना ही रखो, ठीक है। तो यूएक्स एक्स हो गया, यू आई ए वाई हो गया। अब जब यहां से यहां पे आएगा तो वाई शेडो कहां से कहां पे आएगा, ऊपर जाके कहां पे आएगा, नीचे एक्स शेडो यहां से यहां पे जाएगा, ठीक है। ये पता है क्या कितना जाएगा, नहीं वो तो निकालना है, उसको तो क्या बोलते हैं रेंज, ठीक है। ऊपर जाके नीचे आएगा ये तो अपने को पता है, तो क्या करेंगे अपन, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है, जीरो यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व कर लू, एस वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, यू आई कितना है, यू साइन थीटा इंटू क्या टी, अब इसको मैं टी बोल देता हूँ सीधा, कैपिटल टी, ठीक है। ए वाई कितना है, माइनस जी, तो माइनस जी यहाँ पे डालेंगे तो माइनस हाफ इंटू क्या, जी इंटू क्या टी स्क्वायर, तो अब मुझे पता है यहाँ पे टी टी कैंसिल हो जाएगा, अरे जीरो है ना यहाँ पे, कैंसिल क्यों होगा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैंसिल क्यों होगा, टी यहाँ पे कोई भी नंबर होता है कैंसिल होता कि नहीं, तो कौन सा इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पे भी जीरो है तो ये टी और टी कैंसिल होगा, नहीं किसी को समझ में, तो मैं लिखता हूँ एक स्टेप और, यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी इंटू क्या, अब तो दिख रहा है कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा तो एक टी गया एक टी गया, ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या बची, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, जो मेरा टाइम पीरियड बचा तो टाइम पीरियड कितना बचा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, दिमाग में रहेगा ये एज अ फॉर्मूला दिमाग में रखना है, जेई मेन के लोअर लेवल, नीट के लोअर लेवल एंड सीईटी के लिए, टू यू साइन थीटा अपॉन जी इज अ टाइम पीरियड, नॉर्मल पीरियड टाइम बचा, ये टाइम पीरियड सब जगह भी चलेगा क्या, सब जगह भी चलेगा क्या, नहीं, किसके लिए चलेगा, नॉर्मल पीरियड टाइम मोशन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो, ठीक है। चलो तो अब मेरे को भाई रेंज निकालो, कैसे रेंज कैसे निकालोगे, रेंज 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 जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इक्वल टू क्या, यू एक्स टी प्लस क्या हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग मतलब एक्स मतलब रेंज, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, गाइस ये हो गया यू कॉस थीटा। टाइम कितना, टाइम टाइम कितना, टू यू, ये आपको समझ में आ रहा है, तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा, पहले लिखो मत, सब लोग देखो ना यहां पे, ये टाइम क्यों लिया यहां पे भाई, क्योंकि रेंज निकालनी है ना, तो ये टाइम तो मिल गया था, तो ये टाइम अभी यहां पे किया, अब एक ट्रिग्नोमेट्री बन गई। अब यहां पे आप देखोगे तो रेंज के लिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये चीज पढ़ी है क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, नीट वालों ने भी पढ़ा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है, साइन ऑफ टू थीटा डबल एंगल, बराबर कि नहीं, हाँ। तो अब मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे यू इंटू यू यू स्क्वायर हो गया, इधर क्या है टू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिख रहा है, डिवाइड बाय क्या दिख रहा है जी, अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, साइन ऑफ टू थीटा, तो बेसिकली रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन ऑफ
टू थीटा अपॉन क्या जी, तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। आपको ये समझ के मतलब आपको डिराइव करके खुद से लिखना है, ये तो मैंने बता दिया। अब मुझे तो हाइट मैक्सिमम कैसे निकालोगे, एच मैक्स हाँ तो ये निकालो आप लोग जरा बताओ एच मैक्स की वैल्यू कैसे निकालो। ठीक है मुझे तो ये लिख के हो गया। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते और मुझे बताओ यहाँ पे अभी एच मैक्स करना है तो अपन क्या क्या यूज करेंगे। ठीक है हर फॉर्मूला तो यूज करेंगे, कौन सा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस। और ये क्यों किया मैंने, आप कोई बोलेगा सर क्यों किया, हाँ क्योंकि ये अपने फॉर्मूला एक बार ये अपने किया था याद है, जब ये ऐसा बॉल यहां से यहां पे जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो इसका वाई कंपोनेंट ऊपर जाके इधर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वाई कंपोनेंट की जीरो भाई, क्योंकि इसका जो वाई शैडो है ऊपर जाके नीचे जाएगा ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा तो वी वाई कितना हो जाएगा जीरो। तो ये बेसिकली निकालना मुझे राइट, जिसमें यू वाई पता है वी वाई पता है ए वाई पता है, तो यू वाई की वैल्यू वी वाई की वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूला में, वी वाई की वैल्यू कितनी करेंगे जीरो। ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं अपन ने पहले लेक्चर में, जीरो स्क्वायर यू वाई स्क्वायर कितना है क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। तो भाई एक मिनट लिख देता हूं मैं, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्सर चला रहा हूं वाई कितना है माइनस जी भाई माइनस जी विद साइन कन्वेंशन डालना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस टू इंटू क्या जी इंटू ये हो जाएगा एच मैक्स, एच मैक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी दिख रहा है ना कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू जी। और ध्यान में रखना हर एक लेक्चर के पहले कोई भी लेक्चर हो मैथ्स का हो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, उस लेक्चर के पहले वो जो किया था वो पिछले दिन मतलब पूरा का पूरा लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड वे में देख के आओ, देख के मतलब क्या 15 मिनट में ऐसे पूरा ठीक है, और अपना रिविजन नोट जो है वो एक बार पूरे के पूरे देख के आओ तो अपने को लिंक रहेगा कि पिछले इसमें क्या किया था अभी क्या हो रहा ठीक है। नेक्स्ट वन ठीक है, एच मैक्स की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या टू जी, सबको समझ में आ रहे हैं। चलो तो एक जगह पे आपको फॉर्मूले लिखने ये लिख के हो गया, अब एक जगह पे यही डायग्राम ड्रॉ करो सारे के सारे फॉर्मूले लिखो, पहले एक बार देखो आप खुद ठीक है अगले पेज में, फिर देखना नहीं है फिर खुद से लिखना है और देखो याद आ रहे ठीक है। एक बार पहले अपना नोटबुक देख लो तीनों दिन फॉर्मूला देख लो, नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला लिखो, अरे बना के नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो नींद आ रही है क्या
अरे मैंने तो पूछा था इसको नींद तुमको हरी सबको, नींद तो आएगी यार देखो मुझे भी आ रही है, बट वो अब कुछ टाइम के लिए बोला ना मेरे को एक 8-10 दिन दो सब सही हो जाएगा जिंदगी। यही दिलास देते रहेंगे आपको पूरा 1.5-2 साल, तब तक बोलो यार सर कोई दिक्कत नहीं करते रहो ठीक है। चलो सो गाइस सर आपके सीनियर लोग बोलते सर हम लोग को डीपीपी डायट और कुछ था नहीं सर, इन लोग को आप इतना करवा रहे हो हमको करवा नहीं, मतलब आपको ऑनलाइन बैच का और तुम लोग बोले सर नहीं चाहिए हमको बहुत हो गया। ऑनलाइन ऑनलाइन बेच के करेंगे क्या, पहले पूरे उनका पूरा 11 ऑनलाइन चला गया उनमें करेंगे क्या, वो ऑनलाइन में उनको पता क्या होने वाला वेस्ट है वो। तुमने क्या किया बताओ 10th में ऑनलाइन में, खुद को पूछो जरा। हो गया चलो गाइज मुझे बताओ अब मुझे बताओ 3 फॉर्मूले याद है। चलो एक मिनट पहले देखो मत टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2u sin θ / g ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin θ / g और hmax u² 2g ठीक है। चलो तो अब मैं आपको एक सिंपल क्विक क्वेश्चन बट आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है ठीक है, क्विक क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व करना है। मैंने एक बॉल को थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एंगल 30 डिग्री था और ये बॉल ऐसे जाके गिरा ठीक है। मेथड से नहीं, मेथड से क्या करना होता है यूएक्स यूआई एक से अपने को किसे करना है फॉर्मूला से, फॉर्मूला से करो फटाफट चलो। हाँ सब सब टाइम रेंज है मैक्सिमम हीट, टाइम रेंज मैक्सिमम हीट, ग्रेविटी की वैल्यू दी है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है सब कुछ निकालो, तीनों तीन चीजें निकालो और बताओ कि क्या होगा। लक्ष्य लक्ष्य समझ में आ रहा है कि तुझे सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
क्या वो? चलो गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक 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 क्वेश्चन सबका हो गया कि नहीं हुआ? इसमें कुछ है क्या? अब क्या करोगे? टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला? 2u sin theta upon क्या? जी बस ये फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू डाल दो, 2 into u कितना है? 20 into sin 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ। ये आपको सबको समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे कोई प्लस एंड माइनस सिंबल नहीं, डायरेक्टली जो भी है उसकी वैल्यू डालनी है, क्योंकि प्लस एंड माइनस सिंबल फॉर्मूला बनाते वक्त लिया है कि नहीं? ये तो जी को माइनस जी लिया था आपने, तो काम हो चुका है। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है, मतलब एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपने टेंथ टाइप का, और आपने टेंथ में ऐसे कर दिया। अब मुझे तो यहाँ पे क्या हुआ आंसर? 2। तो इसमें तो आया 2 seconds, ठीक है, तो टाइम तो हो गया। इसके बाद रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 into 30 डिवाइड बाय क्या? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वेयर मतलब कितना? 20 का स्क्वेयर इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2/10। ये सब आएगा और ध्यान में रखना, यहाँ पे 10 ऊपर नहीं, 10 into 2 20, ये सब पता होना चाहिए। 20√3 आंसर कितना आएगा? 20√3। तो यहाँ पे 20√3 आंसर आएगा, रेंज आ गया। एच मैक्स का यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर कितना? 30/2g। तो यू स्क्वेयर कितना? अगेन 20 square sin square 30 मतलब कितना? हाफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 10। तो यहाँ पे 20 कैंसल, 20/4 आंसर कितना? 5 meter। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या सब चीजें? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। तो अब बेसिक फॉर्मूला कैसे लगाना है और बेसिक तीनों तीन चीजें समझ में। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, गाइस हमेशा ध्यान में रखना, आगे के पूरे एक साल मेरे हमेशा लेक्चर्स बेसिक्स पे ऊपर होंगे। रोशन सर के जो लेक्चर होंगे वो अच्छे क्वेश्चन सॉल्विंग मॉडल्स के क्वेश्चन कैसे ट्राई मार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको, तो मेरा लेक्चर हमेशा बेस बनाएगा, ठीक है। अब मैंने वो एकदम हाईफाई वाला में पढ़ाता नहीं, वो जिनको करना है वो JYC में अपने वीडियोस है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जिनको माइंड जाना है फॉर JEE एडवांस, वो JYC के वीडियो से देख लेना, बाकी के टॉपिक्स में भी। यहाँ पे मेरे हमेशा लेक्चर किसके ऊपर होंगे? बेसिक, क्योंकि एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया आप इंडिया का कोई भी मटेरियल देख के आपका खुद का कंसेप्ट बना सकते हो, बट बेसिक नहीं हुआ तो कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन छोटा सा, सब लोग ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। फाइंड थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। इफ रेंज इज 4 times
मैक्सिमम हाइट, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? रेंज इज 4 टाइम मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और बाकी यू जी वही लेना है, यू जी जो भी दिया है, ठीक है निकाल। इस ये क्वेश्चन तो दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो ही मैथ्स का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सबका अलग अलग कैसे है? मुझे एक बात बताओ, रेंज इज 4 टाइम मैक्सिमम हाइट, बराबर? तो मुझे बताओ यहाँ पे रेंज, सब लोग यहाँ पे देखो भाई, सब लोग यहाँ पे देखो, मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या करना है? ये कंडीशन दिया है तो पहले तो सोचना है, सब लोग सुनो, पहले सोचना है कि भाई थीटा निकालना है, रेंज इज 4 टाइम, उसको दिया ही नहीं है, रेंज का फॉर्मूला पता है, ठीक है, फिर क्या है रेंज का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या जी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, 2g। अब जो भी काम के टर्म्स नहीं है उसको कैंसिल करवा दो, कौन सा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल, जी और जी। अब जो क्वेश्चन बना वो बना प्योर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब मुझे तो साइन 2 थीटा जो होता है, ठीक है, तो ये 4 एंड 2 में से ये 2 और ये 2, बराबर, ठीक है, ये तो 2 बचा है, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। अब मुझे होता साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कब होगा, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, 0 होगी तो सिंपल सी बात है ना, उधर ही, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब 2 और 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, 45, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45। आपको सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे रेंजेस मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करता और बनाता मैं, मैक्सिमम हाइट इज 4 टाइम्स रेंज, तो ये 4 कहां पे रहता, इधर रहता, तो फिर डायरेक्टली ये ऐसे जैसे थीटा 45 वो आएगा क्या, नहीं कुछ और आएगा, बट आपको बताइए ऐसे क्वेश्चन करने समझ में कैसे करने, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे मॉड्यूल्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको डीपीपी डेट में बहुत सारे क्वेश्चन आने होंगे ऐसे, ठीक है, जो सेम लॉजिक यही लगाना, बस फॉर्मूला लिखो, कट करो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो डायरेक्टली। कभी कभी टेन थीटा इक्वल टू 4 है तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 4 है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, टेन थीटा की इक्वल टू 4 आया तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ 4, अरे कुछ एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, चलो आगे बढ़े।
ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया, ये एच मैक्स इक्वल टू 4 आर, वो तो मतलब समझ जाओ क्वेश्चन है वो, ठीक है आगे बढ़ो। लिखे हो गया नहीं चीज? हाँ गाइस अब सुनो, क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको भी बताया। अब इसी क्वेश्चन में दो चीजें होती है, दो केसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, मैंने प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से थ्रो किया है और ये ऐसे गया, बराबर। अब आपने आपने कभी ये किया कि आपको मतलब एक होता है कि आप कितने भी जोर से बॉल को थ्रो करें, ठीक है, एक आपका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, वही अपन पकड़ते यू, मतलब जैसे कि कोई हो सकता है कि 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करे, कोई कितना करे 40 मीटर पर सेकंड से। अब मैं सपोज मेरी केस लेता हूं, अब मेरा मैक्सिमम है लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड, उससे ज्यादा थ्रो कर ही नहीं सकता, तभी भी मुझे मतलब मेरा स्पीड तो कॉन्स्टेंट हो गया, स्पीड नहीं चेंज करूंगा, स्पीड मेरा क्या है वही है 40, और मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो करना है, मतलब वो जो बॉल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाए, ठीक है। मतलब मुझे क्या चीज मैक्सिमम चाहिए, रेंज, क्या चाहिए रेंज, रेंज मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो फाइंड द एंगल थीटा, कितना होता है ये आपको पता है कि आपको होता है 45 डिग्री, बचपन में क्या होगा 45 डिग्री पे, एग्जैक्टली 45 डिग्री पे थ्रो करोगे तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगी, रेंज उसकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। किसको गोल्ड मेडल मिला था अभी जेवलिन थ्रो में, ये चोपड़ा, तो उसने भी वो एग्जैक्टली वो जो दौड़ता है और जो ऐसा थ्रो करता है वो भी 45 डिग्री एंगल पे होता है, वो क्वेश्चन भी बना था एक्चुअली फिजिक्स का, नहीं तो इस क्वेश्चन में रेंज मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, रेंज मैक्सिमम चाहिए। पहले रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब रेंज मैक्सिमम चाहिए, रेंज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या जी, तुम मुझे एक बात बताओ, रेंज को मैक्सिमम करना, मुझे एक बात बताओ, रेंज को मुझे मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम मुझे तो यू स्क्वायर जी को चेंज कर सकते हैं भाई, यू को मैंने क्या बोला, यू तो अपने ऊपर है ना, वो तो मैंने मैक्सिमम कर चुका हूं, तो यू और जी को अपन चेंज नहीं करेंगे, तो इसको मैक्सिमम करना है तो किसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब मुझे तो कोई बोल सकते इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 1, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 साइन, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी कि नहीं, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45, तो ध्यान में रखना 45 डिग्री पे थ्रो करेगा तो हाइट क्या हो जाएगी, सॉरी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। इसको लिखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कैसी क्वेश्चन है, cos 20 का वैल्यू cos 45 से बड़ा होगा, cos 20 का क्यों ले रहती, अगर क्या होता है, ठीक है, पहले इतना लिखो, इसके केसेस बताऊंगा मैं, ये कैसे दिखता है, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है वो दिखता कैसे है, उसका मैं कैसे सबको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो दिखेगा, ठीक है। उसका पहले छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे अपन, हो गया लिख के, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यही सब एग्जाम्पल आपको एक्चुअल में मॉड्यूल्स में कैसे बन के आएंगे, थ्योरेटिकल, मैं डायरेक्टली आपको जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बॉल को थ्रो किया, बॉल को थ्रो किया, स्पीड दिया है लेट्स से
20 मीटर पर सेकंड से और एंगल दिया है थीटा, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे गया, राइट। और जी की वैल्यू कितनी दी है, मतलब ये इधर में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो भी है, ठीक है। अब कई हम लोग फॉर्मूला यूज करके करें, ऐसे क्वेश्चंस नीट में एंड वापस जेई मेन के लोअर लेवल पे सीजी में बनते हैं, जो फॉर्मूला से ही जुगाड़ करके ही करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे फाइंड एच मैक्स एंड टाइम पीरियड इफ आर इज मैक्सिमम, आपको समझ में है, रेंज कर दिया है मैक्सिमम, तो उस केस में फाइंड एच मैक्स एंड टाइम टी एंड इवन आर, एंड आर भी कैलकुलेट करो। चलो आज की डीपी भी आपको एचसीआर में सॉल्व करनी है, ठीक है। एचसीआर में कुछ मॉडल भी लेके आया हूँ भाई, तुमको मैंने एक बोला था मेरे लेक्चर में क्या लेके आने का, एचसीआर में मॉड्यूल लेके आया करो, तो अभी क्या, अभी होमवर्क में वहां से दूंगा, अभी आपको फोन लेके होमवर्क मतलब डीपी पीस जो है, ठीक है, नहीं उधर से भी देंगे बट एचसीआर में से पहले, क्योंकि एचसीआर में बेस बनाता है, एचसीआर में से भी होना चाहिए और मॉड्यूल से भी होना चाहिए, और जो बचा हुआ रहेगा डीपीपी नहीं सॉल्व होगा होमवर्क। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देख लो गाइस, मुझे बताओ थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 45 डिग्री बराबर, कैसे, इफ आर इज व्हाट मैक्सिमम, तो पहले तो आर निकाल दो, आर तो एकदम सिंपल है ना, यू स्क्वायर साइन ऑफ क्या, टू थीटा मतलब क्या, साइन 90, अब ये तो वन ही था ना एक्चुअली, डिवाइड बाय क्या, जी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो साइन 90 कितना हो गया, 1, तो यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी मतलब 20 इंटू 20 अपॉन 10, तो आंसर कितना है यहाँ, 40 मीटर, तो रेंज तो 40 मीटर आ गई, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना, 45 डिवाइड बाय क्या, 2g, तो u स्क्वायर मतलब कितना, 20 स्क्वायर, ये आएगा ना आपको सबको, सो 20 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 मतलब क्या, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 10, तो आंसर कितना है, 10 मीटर। और ये क्वेश्चन अपन ने किया भी था ना, मैक्सिमम हाइट और रेंज के रिलेशन 4 टाइम्स होता है, पिछले वाला क्वेश्चन देखो, जब एंगल 45 होता है तो इट इज 4 टाइम्स,
दिख भी रहा है ना, ठीक है। और टाइम पीरियड टू यू, अब टू यू में डायरेक्ट लिख देता हूं, टू यू साइन क्या 45/10, तो आंसर कितना आएगा 2 × √2, तो आंसर कितना 20 लिखा, अभी आंसर नहीं, ये इधर ठीक है, अभी आंसर कितना है 2√2, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आएगी 2√3। गाइस मुझे एक बात बताओ, यही क्वेश्चन आप और किससे कर सकते हैं, मेथड से कर सकते हैं, यूएक्स यूआई। तो अभी देखो कब फॉर्मूला यूज करना है, कब मेथड यूज करना है, वो क्वेश्चन ही आपको बताएगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं मेथड यूज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे राइट। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सब कुछ? नहीं तुझे तुझे हाँ समझ में आ रहा है ना? नहीं मैं सीखर, हाँ क्या बोल रहे क्यों भाई? वो पूछ रहा है 10:30 10:30 ना, चलो हम करेंगे अभी एक मिनट। पहले ये हो गया जो मेरे को अब तक आज अभी जो पढ़ाने उतना तो पढ़ाने तो ठीक है। गाइस अब एक चीज होती है जिसमें मैंने एक बॉल को थ्रो किया, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि आपका सेकंड डे तो थोड़ा सा नींद वाला होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये अभी 7-8 दिन के बाद, मतलब आज में भी लेक्चर जो है वो एक टाइम के बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। बट ये 7-8 दिन में आप जब यूज टू हो जाओगे तो रोज 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 नींद नहीं, जरा जल्दी सो जा, ठीक है। और अभी आपको आफ्टरनून का टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, बराबर, आफ्टरनून का टाइमिंग यूज कर लो, ठीक है। अब यहां पे देखो गाइस, मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है। अब एक चीज तो आपने देखी, जैसे इसमें बोला कि सर एंगल 45 तक ये मैक्सिमम है, तो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ये 45 डिग्री है, अब मैं यू को यू ही रख रहा हूं, समझ में आ रहा है, 45 डिग्री तक यहां पे जा रहा है। इसके पहले सपोज मैंने किया और उसके बाद में किया तो क्या हो, मतलब आप देखोगे एक्चुअली यहां पे सब लोग देखो गाइस, हाँ, अब यहां से मैं इधर थ्रो किया तो इधर गिरा, जब मैं इधर भी थ्रो करूंगा तो कहां पे गिरेगा, उधर ही, इधर ही गिरेगा। मतलब पहले क्या होगा, मैं जब यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो पहले ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे बढ़ने लगा, कब तक बढ़ेगा वो 45, और 45 के बाद क्या चालू होगा वापस, हाँ 45 के बाद वापस कम होते जाएगा, और 45 के बाद वापस ऐसे कम होते जाएगा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे वापस ऐसे आते जाएगा, एचमैक्स ज्यादा होगा वो तो ठीक है ना, ऑब्वियसली होगा ना, एचमैक्स ज्यादा होगा, बट क्या चीज होगा, एंगल 45 पे ही रेंज क्या होगी मैक्स, तो एक चीज आपको समझ में, अब इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी, 45 देखो, मतलब मैं ऐसा थ्रो करते जाऊं तो 45 डिग्री मैक्सिमम है और उसके बाद और एंगल होगा तो वापस पीछे आएगा, मतलब एक्चुअल में देयर आर टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज, एक्चुअली हमेशा देयर आर टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज, मतलब अब इसमें देखोगे, और ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, एक मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली 45 वाला, ठीक है, 45 वाला सबसे इधर गया, बराबर, अब एक एंगल होता है जो 45 डिग्री से कम होगा, ठीक है, जैसे थीटा 1 जिसमें ये ऐसे जाके इधर गिरा, ठीक है, और एक एंगल होगा जो 45 डिग्री से
ज्यादा होगा, ठीक है। जिसको अपन ने लिया सपोज थीटा टू, जिसके लिए हाइट ज्यादा होगी बट गिरेगा कहां पे, सेम पॉइंट पे, आपको समझ में आया। अभी थीटा वन थीटा टू का रिलेशन पता है क्या होगा, इसलिए पढ़ा होगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू इन दोनों का जो एडिशन होता है वो होता है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, तो ये चीज लिख दो, ठीक है। थीटा वन है थीटा टू का एडिशन होता है 90 डिग्री, एक 45 डिग्री से कम एक 45 डिग्री से ज्यादा, मतलब मुझे तो एक थीटा वन 30 डिग्री होगा, एग्जाम्पल थीटा वन 30 डिग्री होगा तो थीटा टू कितना होगा 60। उसके लिए अपने को क्या सेम मिलेगी, सेम रेंज, सेम रेंज इन दो एंगल के लिए, सेम रेंज, सेम भी अंतर मिल जाए, थीटा वन 30 थीटा टू 30 नहीं, एच मैक्स एंड एंगल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, नहीं वो तो देख एच मैक्स इज इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, तो है ही ना वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, तो ही ना स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है ना, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा भी बढ़ेगा, बराबर ना। ये सबको समझ में आएगा, एक मिनट मुझे पहले एक बात बताओ, थीटा 45 डिग्री के लिए सबका यू क्या है, सबका मुझे होता है जो स्पीड है सबका वो क्या है, सेम, इसमें सबका यू तो सेम ही है, मैं एक स्पीड से थ्रो करूं तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम जाएगा, ये कंफर्म हुआ। अब मैंने 30 डिग्री पे सपोज थ्रो किया, 30 डिग्री पे सपोज बॉल सपोज इधर गिरा, तो मुझे तो उसी पॉइंट पे गिराने के लिए मुझे और कौन सा एंगल चाहिए, 60 के लिए कहां पे गिरेगा, उसी पॉइंट पे गिरे, समझ में ना। ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो अब इसका जो डेरिवेशन है वो आपको जानना है, तो अब डेरिवेशन देखो यहां पे क्या है, अब इसका डेरिवेशन है ऐसा क्यों हो रहा है मैथमेटिकली, मुझे होता रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन ऑफ क्या 2 थीटा 1 अपॉन क्या g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 2 अपॉन क्या g, ये सबको समझ में आ रहा है। अब तुमने इससे तो पता चल गया भाई साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू क्या साइन ऑफ 2 थीटा 2, सर क्या बेवकूफ गिरी है, इसमें थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है थीटा 2, थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है थीटा 2, बट इसमें और भी चीज है, याद करो जरा, साइन दोनों कब होता है, एक पाई माइनस वाला भी होता है, भूल गए, साइन ऑफ 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ, मुझे बताओ 180 माइनस थीटा 2 कितना होगा, साइन ऑफ 180 माइनस कोई भी एंगल, साइन वही एंगल, हाँ तो साइन ऑफ क्या करेंगे 180 माइनस 2 थीटा 2, ये भी लिख सकते कि नहीं, साइन थीटा रखो ये लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ये दोनों साइन सेम है, इसका मतलब 2 थीटा 1 शुड बी इक्वल टू कितना 2 थीटा 1 एंड 180 माइनस थीटा 2, दोनों क्या होने चाहिए सेम, तो 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा 2, इधर लेके आओ दो को कैंसिल करो क्या आएगा, थीटा 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, प्रूफ हो गया ना, ये मैथमेटिकल प्रूफ है। अब ऐसा क्यों होता है वो सोचो, हो गया ना ये चीज, तो इसमें ये क्या है, ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं,
आगे बढ़े। तो मुझे तो एक एंगल 20 डिग्री होगा, दूसरा कितना होगा? 70 भाई, बस कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एक 45 होगा, दूसरा कौन सा होगा? 45, क्योंकि 45 वो सबसे मैक्सिमम रेंज वही है, तो वो एक ही एंगल है 45 वाला, ठीक है। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी अपन ने क्या देखा, देर आर कितने एंगल्स, टू एंगल्स फॉर यूज कैन गेट द सेम रेंज। तो सपोज एक एंगल थीटा दिया है जिसके लिए रेंज आई, बराबर, तो दूसरा एंगल कितना होगा? अरे दूसरा जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, इसके लिए तुम्हारा रेंज क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। अब एक तो सिंपल सी बात बताओ, क्या यहाँ का दोनों का टाइमिंग सेम होगा? नहीं, इसका टाइमिंग T1 होगा, तो इसका कितना होगा? T2, ठीक है। क्या इन दोनों का HMAX सेम होगा? नहीं, इसका HMAX होगा सपोज HMAX 1, तो इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? HMAX 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना, मुझे निकालना है, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे फाइंड T1 upon T2, H1 upon H2 एंड H1 plus H2 निकालो जरा। थीटा की वैल्यू थीटा, यू की वैल्यू यू, ग्रेविटी की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू जी। हाँ, अगेन फॉर्मूला क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको समझ में फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है? एक लास्ट का मैं पूरी टाइम मुझे क्वेश्चन लेक्चर लूंगा, अगला लेक्चर, जिसमें अपन आज जॉब डीपीपी में और होमवर्क के जो क्वेश्चंस होंगे वो, और एक लेवल अप पूरी टाइम मोशन के क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। हाँ, जो अभी तक पढ़ा है, अब थोड़ा सा ऊपर लेवल का ना, अभी थोड़ा सा ऊपर लेवल दिखाना भी अभी जरूरी है, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले कैलकुलस आपका हो जाना चाहिए, तो कैलकुलस का लेक्चर मुझे और रखवाना मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिलेटिव। हाँ, क्या हुआ? क्या बोल? एक आईनमेंट से कैलकुलस वाला पार्ट अभी रोशन सर कराएंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सबसे फेवरेट चीज चालू हो जाएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। वो तीन लोग तो अभी कुछ नहीं, अभी तो अभी मुझे मुझे अभी एक कोई तो मतलब एक पेरेंट है बोरीवली में, आपके बैच में ही, सीनियर बैच में, ठीक है। तो कल मुझे एक मीटिंग लेना पड़ा, मतलब जो पढ़ रहे उन लोग का, जो नहीं पढ़ रहे उनका नहीं, ठीक है। तो एक तो पेरेंट कोई तो जाके वहां पे कुछ कंप्लेंट किया, ये बोल के कि मास्टर क्लास में ना सब लोग मैथमेटिक्स ही पढ़ाते, फिजिक्स में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स। मैं बोला ये 1.5 साल की बात बोल रहा है, तो उनको क्या पढ़ाना है? तो उनको चाहिए पूरी तो ये मुझे एक्चुअली देखना था कि कौन है वो, मुझे एक्चुअली वो नाम नहीं बता रही कौन है ऐसे, कि जैसा बोला कि मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे, और क्या पढ़ना होता भाई? मतलब वो
आप समझ रहे हो ना, अभी आप बोलोगे तो ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो स्टार्ट है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही करा रहे, तो फिर मैं आपको बोलूंगा गाइस नीट जेई मेन एंड सीईटी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको क्या सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन। बट एक डेढ़ साल के बाद देखते कौन है भाई। और इसमें बहुत सारे ऑनलाइन की गलती भी है एक्चुअली। ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ लोग ऑनलाइन में कॉपी करके मार्क्स आते थे, तो ऑनलाइन में मार्क्स आते थे एकदम मस्त मस्त, और 720 में से 500-600, और जैसे ही ऑफलाइन हो गया 720 में से आ गए 30-40। क्या हो क्या रहा है जिंदगी में, आप समझ रहे हो? तो ये चीज होगी। चलो आपका बैच तो ठीक है। अब मुझे तो यहाँ पे T1 T2, एक मिनट पहले तो एक बात मुझे बताओ, ये जो मैंने थीटा और 90 वाला सीधा जो लिख के रखा है ना, यही एक्चुअली क्वेश्चन में सोचना था। इफ द रेंज इज सेम तो मुझे बताओ एक एंगल थीटा और दूसरा कितना होगा, ये सबको समझ में आया। अब मुझे बताओ जो टाइम पीरियड T1 है और मैं टाइम पीरियड T2 करूं, तो T1 की वैल्यू क्या होती है, 2u sin थीटा अपॉन क्या g डिवाइड बाय 2u sin ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन g। फॉर्मूला वही है ना, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2u कैंसिल, g कैंसिल, sin थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, sin ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा भाई, मैथमेटिकल क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर क्या, टेन थीटा। आपको समझ में आ रहा है क्या, क्या नहीं समझ में आया? साइन थीटा एंड साइन 90 में सीधा कितना होगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी गाइस कॉस थीटा, और फिर आप बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है गाइस। अभी इतना जो भी इतना आपके लेक्चर्स होने के बाद, और एक महीने के बाद हमारी सीईटी बैच स्टार्ट होगी जो कंप्लीटली सीईटी बैच रहेगा, तो आपको 2-3 महीना जितने भी आपने आपको सेल्फ एनालिसिस किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं होने वाला जेई नीट, तो आप उस सीईटी बैच में आपको हर सेंटर कोऑर्डिनेटर को बोलना है, आपको उधर सीटी बैच में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन सीटी बैच एक ही सेंटर पे होगी, इधर अंधेरा विले पार्ले में से हम लोग डिसाइड करेंगे, जनरली सीटी मार्केट विले पार्ले है, तो विले पार्ले में होगी, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर आप इसी बैच में बैठो। मतलब ये समझ में आ रहा है, देखो जिनको समझ में आ रहा है सब कुछ वो इसी बैच में बैठे, ठीक है। जिनको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा उनकी बात करो, ऐसा कुछ हो सकता है बाद में जिनको जस्ट 10-20% समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व होना में नहीं बोल रहा, एक होता है ना जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आ रहा, वो तो सबको नहीं आएंगे, वो तो 99% लोगों को नहीं आएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब लेक्चर चलता है और आपको कुछ समझ में नहीं आ, उन लोग की बात, ठीक है। अब हो गया T1 by T2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा, ठीक है। H1 by H2 क्या हो जाएगा, हाँ तो मैं सोलो H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या, 2g। H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब क्या भाई, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखू क्या मैं, हाँ तो H2 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, 2g। अब मुझे तो H1 by H2 करे तो U square by 2G cancel ना, क्या बचेगा यहाँ पे, sin square theta upon cos square theta, मतलब कितना, तो यहाँ पे आएगा आंसर tan square theta। H1 plus H2 की वैल्यू क्या होगी, कोई बोलेगा H1 plus H2 कितना भाई, H1 की वैल्यू है U square sin square theta upon क्या, 2G। H2 की वैल्यू क्या है, U square cos square theta upon क्या, अब यूज कर बाय 2G कॉमन, साइन स्क्वायर कितना 1,
तो इसका जो आंसर है वो क्या है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। मुझे बताइए जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए कि सारे के सारे क्या थे, मैथमेटिकल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स, उतना आ गया आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, ठीक है, डेट में, डीपीपीज में, बैट में, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। जो यहाँ पे जेई एडवांस पढ़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अपने लेक्चर में जो अपनी चीज है, हम लोग बेसिक्स पढ़ा रहे जेई मेन तक का। जेई एडवांस के लिए आपको एक्स्ट्रा माइल, आपको खुद को पहले एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको अलग अलग डीसी पांडे लेवल वन लेवल टू ये सब कुछ करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बाद में जाके आपके लिए एडवांस की बैच स्टार्ट होगी। एडवांस की बैच स्टार्ट होगी मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर्स फॉर एडवांस, रेगुलर लेक्चर तो एडवांस वालों के लिए बैठना ही है। कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं सिर्फ एडवांस ही करना है, ऐसा नहीं होता गाइस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ एडवांस नहीं है। एडवांस मतलब एक्स्ट्रा सोचना सिर्फ, बट सोच तो होनी चाहिए एक्स्ट्रा सोचने के लिए, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सब जो चीज है ना, ये इसकी रील बनी, समझ रहे। तो अभी सब अपना हर एक चीज रील में चल रहा है मेरा, क्या अभी रोहित चौटाई सर से मैंने इंस्पिरेशन लिया है और फिजिक्स वाला से, हाँ नहीं यू स्क्वायर अपॉन टू जी ब्रैकेट में साइन के बदले कॉस को लेगा तो वन है ना, वो यू स्क्वायर अपॉन टू जी कॉमन निकालेगा। देखो यू स्क्वायर अपॉन टू जी कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गई वन, तो ये बचा क्या गलत कर रहे तुम, मैथ्स पढ़ो थोड़ा सा, मैथ्स पढ़ो यहाँ पे, ये जो चीज है ना ये लिखो और खुद से एक बार बाद में जस्ट लेक्चर के बाद ये जो है इसको लिख और कर। हो गया है क्या भाई? हाँ बोलो, हाँ तो करो कोई, हाँ फैन ऑफ कर लेते, फैन ऑफ कर दो। ये सबको समझ में आया गाइस? अब यहाँ पे सब लोग आज का डीपी पेन डाइट सॉल्व करने के लिए कुछ आपको चीजें बताऊंगा जो आपको सोचना है, ये तो आज का डाइट एंड डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे, डाइट नहीं सॉरी डीपीपी के, ठीक है। अब पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले, अब हम लोग प्लेट एंड मोशन को हम लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं, जैसे बॉल को थ्रो किया एक्स एंड वाई अलग अलग से, अब हम लोग उसको कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि भाई एक्चुअल में कैसे जाता होगा, ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, एक बॉल को मैंने थ्रो किया, इसका स्पीड क्या था, यू एंगल थीटा था, थ्रो किया ऐसे 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 करके गया बराबर। अब हर एक इंस्टेंट पे हम इस बॉल को देखेंगे, हर एक इंस्टेंट पे इसका स्पीड देखेंगे, तो मुझे तो इधर इसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ऐसे होगी टेंजेंट ना, ठीक है। इधर इसका वेलोसिटी कैसा होगा, ऐसा होगा, इधर एकदम एच मैक्स पे इसका एक्चुअल वेलोसिटी कैसा होगा, तो ये मैंने ड्रॉ किया जीरो नहीं। अब तुम लोग एक्स एंड वाई देख रहे हो क्या, नहीं तुम एक्चुअल में क्या देख रहे हो, बॉल का एक्चुअल टू डायमेंशन मोशन। अब लोग अभी वन डायमेंशन मोशन देख रहे हैं, नहीं देख रहे, ये बॉल के एक्चुअल टू डायमेंशन मोशन। अब मुझे बताओ क्या ये सारे स्पीड सेम है, नहीं, ये हो गया सपोज वी वन, ये हो गया वी टू, ये हो गया वी थ्री, पता है क्या किसी को, नहीं पता। अब किसी ने बोला है निकाल के दिखा, तो गाइस एक्चुअल मुझे स्पीड चाहिए कौन से, कहां का, कहां का स्पीड चाहिए। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा वन, और ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा टू, यहां पे एंगल कितने थीटा थ्री, जीरो एच एम एक्स पे। फिर कोई बोलेगा सर यहाँ पे आएगा तो ये चीज क्या हो जाएगा वी फोर वी फाइव, आपको समझ में। जब ये बॉल वापस यहाँ पे आता है तो आपको पता है इसका स्पीड ना यू ही रहता है, जिस स्पीड से अपन ने थ्रो किया उसी स्पीड पे, क्योंकि सेम हाइट पे ना। ये भी आपको प्रूव करना है बाद में, ठीक है। अब सोचना है ये सब कुछ चीज आपको सोचनी है, इसके ऊपर पहले सॉल्व करोगे क्वेश्चन, अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसके ऊपर अपन बात करेंगे और थोड़ा सा और अपर लेवल पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब
यहां पे सब लोग देखो, इस क्वेश्चन में पहली चीज ठीक है, एक एक मतलब एक छोटा सा मुझे क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चंस, इवन ये क्वेश्चंस नीट में भी बन सकते हैं, जेई में भी बन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बट फास्ट करना है आपने ठीक है। पहले तो मुझे तो V1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, कितने मेथड्स है, V1 कैसे कैलकुलेट कर सकते, एक्चुअल स्पीड। देखो कुछ बोलेंगे सर एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करना है, तो एक तो चीज क्या करेंगे अपन, Vx नहीं करेंगे, Vy नहीं करेंगे, मुझे बताओ Ux Uy दिया है कि नहीं दिया, दिया Ux एंड Uy दिया रहता है ठीक है। मैंने बोला चलो सर यहाँ पे ये Ux है, यहाँ पे ये क्या है Uy है, मुझे बताओ इसका भी तो यहाँ पे V1x होगा और इसका भी यहाँ पे क्या होगा V1y होगा। आपको पता है V1y मतलब क्या, वाई शैडो का स्पीड, V1x मतलब क्या, एक्स शैडो का स्पीड। मुझे बताओ एक्स शैडो का स्पीड बदलता है क्या, क्यों नहीं बदलता, हाँ क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, माइनस जी है ना, तो किसका स्पीड कम होगा, ऊपर जाते हो वाई का स्पीड क्या होगा कम, एक्स का स्पीड क्या होगा सेम, भाई एक्स का स्पीड क्या होगा, देखो हम लोग वन डायमेंशन टू डायमेंशन को अलग अलग देखते थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं एक साथ एक्स एंड वाई को एक साथ हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ जो यूएक्स है तो वी वन एक्स भी कितना होगा, यूएक्स इधर भी जाएगा इसके बाद भी कितना होगा, ये कितना होगा यूएक्स होगा कि नहीं होगा, हाँ ये वी वन वाई। अब मुझे बताओ जो इधर में वेक्टर बनाओ ये इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा, छोटा, क्योंकि इसका स्पीड क्या होता जाएगा कम, तो ये छोटा हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे इसका, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, मुझे बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये कितना है, ये तो ux ही है, बट ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी अलोंग y कितना होता है, आपको याद है ना इधर उधर x शैडो, सॉरी y शैडो का वेलोसिटी ऊपर जाके नीचे आएगा तो इधर जीरो होता है, सो वेलोसिटी अलोंग y यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। अब जब ये बॉल नीचे आना चालू करेगा ठीक है, वापस इसका ये कंपोनेंट क्या होगा सेम, ये तो वी फोर एक्स ना, और यहाँ पे अब मुझे बताओ जो y कंपोनेंट यहाँ पे बढ़ना चालू होगा कि नहीं, क्योंकि मतलब जब y शैडो ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है तो ऊपर जाते हुए उसका स्पीड कम होते गया और नीचे आते हुए उसका स्पीड क्या होगा बढ़ते गया, तो इसका स्पीड ऐसे करके बढ़ते जाएगा और ये हमेशा क्या रहेगा बताओ मुझे, तो इस पूरे मोशन में क्या चीज सेम है, v1x v2x v3x ये सबकी वैल्यू कितनी है, ux है कि नहीं है गाइज, एक तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या रहती है सेम सेम रहती है ठीक है। अब तो बताए और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वेलोसिटी अलोंग y क्या हो जाती है इधर पहले क्या हो जाएगी कम, पहले कम फिर उसके बाद बढ़ेगी, आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वो तो ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी अलोंग y को देखेंगे तो ये y शैडो है, वेलोसिटी अलोंग x को देखेंगे वो तो क्या है x शैडो जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि किसका एक्सेलरेशन कितना है जीरो, आपको इतना समझ में है। इस डायग्राम को ड्रॉ करो और ये जो मैंने लिखा है ना ये लिखो ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा है, वी वन एक्स वी टू एक्स मतलब वी वन का एक्स कंपोनेंट है, वी वन एक्स वी टू एक्स वी थ्री एक्स सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी यू एक्स, एक इसके ऊपर का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर मैं एक्सएल वहां कितने लोग के पास नहीं है, एच सी वर्मा कितने लोग के पास नहीं है अभी अभी, तो बेंच पे डिस्ट्रीब्यूट करो अपने एक दूसरे के मतलब, और फोन दे दिया क्या आपको, तो कुछ कुछ बेंच पे जिनके पास नहीं है उधर एक दो फोन आपको दे देंगे, फोटो निकालो फोटो खींच के क्वेश्चन को सॉल्व करो ठीक है,
जिनके पास नहीं है एचसी वर्मा, उनको एक दो ये जैसे ये वाले इधर दो तीन फोन देके उनको फोटोज निकाल के, ठीक है। सो गाइस, और ध्यान में रखना मैं यहां पे कुछ भी पढ़ो बट डैट और वैट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो सिलेबस के बाहर दिखेंगे आपको, कुछ अलग ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो वो होते रहेगा, वो भी एक आदत है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हमेशा जेई नीट एग्जाम देने के बाद देते वक्त भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। आप बोलोगे सिलेबस के बाहर तो 2 साल पढ़ा के, ठीक है, तो उसको निग्लेक्ट करना आगे करना, ठीक है। नहीं तो एग्जाम फियर के नाम की जो चीज होती है उसी एक क्वेश्चन, और यार ये क्यों नहीं पढ़ा मैंने, और यार ये तो हुआ ही नहीं, उसके ऊपर खत्म, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग टेस्ट बनाएंगे, जो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा, समझ जाओ कि उसको ऐसे एग्जाम में आने वाला वैसे करके लेंगे। मुझे पता आपको बोनस मार्क्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि आपको पेरेंट्स को दिखाने के तो बोनस था। आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल छोटा सा यहां पे दे रहा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक एक बॉल कितने स्पीड से थ्रो किया है, 20 मीटर पर सेकंड, एंगल कितना है 60, बॉल ऐसे जाएगा। जब बॉल ऐसे गया तो अब यहां पे आप देखोगे, बड़ा हो गया, चलो जो भी है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या v1 एंड व्हेन बॉल इज एट द मैक्सिमम हाइट, तो उसका स्पीड होगा v2, बट एक इसका एक्चुअल स्पीड मतलब क्या, बॉल का स्पीड, यहाँ पे कोई भी एक्स एंड वाई कंपोनेंट नहीं, अभी दोनों एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो 60 से थ्रो किया, u 20 मीटर पर सेकंड है, 30 डिग्री पे होगा तो v1 निकालो, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो v2 निकालो, ठीक है। बताओ लास्ट का क्वेश्चन है, इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये जो लिखा है बता, ये इसी को यूज करना है, ठीक है। अभी अपने पास टाइम नहीं था, जिनका हुआ उनका हुआ, अब यहाँ पे सब सिर्फ देख लो कि कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। सब लोग यहाँ पे देखो, बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तब प्रैक्टिस कर लेना। बॉल को मैंने थ्रो किया, तो कोई बोल सकता है कि इस पूरे मोशन में कौन सा स्पीड सेम रहता है, वेलोसिटी अलोन क्या x, तो मुझे तो इसमें x का स्पीड कितना है 20 cos 60, तो ux की वैल्यू कितनी है 10, ये सबको समझ में आया। तो मुझे तो कुछ भी, ये बॉल जाएगा तो हमेशा इसका x कंपोनेंट हमेशा कितना होगा 10, तो इस केस में इसका x कंपोनेंट कितना है v1 कितना, हाँ पता है बट कितना है v1 cos 30, अरे आपको समझ में आ रहा है क्या, v1 कितना है cos 30, v1 cos 30 की वैल्यू है कितनी 10,
तो भाई पहले तो एक क्वेश्चन आएगा, वी वन कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? 10। अरे भाई 10 है ही ना, आपको समझ में आया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा तो, अरे खुद यही खुद क्या है, तो V2 का x कमरों में तो खुद V2 है ना। हाँ तो V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10। तो बस आ गया ना तुम्हारा आंसर, V2 की वैल्यू कितनी आई? 10। और V1 cos 30 10, मतलब cos 30 कितना है? रूट 3 बाय 2, तो 20 अपॉन रूट 3। तो V1 का वैल्यू कितना है? 20 अपॉन रूट 3। आपको सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? कैसे करना है समझ में आया? ठीक है। अब मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, डेट सॉरी डीपीपी वाले क्वेश्चन, ठीक है? डीपीपी आपको जो सॉल्व करनी है उसके सात आठ क्वेश्चन में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि उसको मुझे अगले क्वेश्चन में, तो जिनके अभी वो डीपीपी क्वेश्चन पहले खुद ट्राई मारो, नहीं हुआ घर पे जाके करना, कोई दिक्कत? तो अभी आगे बढ़ते, ये हो गया। हाँ इधर का एच सी वन एच सी एम एच सी टी एम एच सी टी नहीं है, मेरे मॉडल्स होगा, ठीक है? ठीक है वो तुमको, ऐसे वो खुश रहो, ठीक है भाई। एम एस सी टी का वैसे भी पोर्शन 80% 12th का है, 20% 10th 11th का, तो 11th का पोर्शन बहुत ही कम होता है उसमें, ठीक है? अब यस ठीक है, तो एच सी वर्मा सब लोग खोलो अभी। अब एच सी वर्मा से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले एच सी वर्मा यही सही, तो थोड़ा सा ब्रेक पहले ले लो, और ब्रेक लेने के बाद डीपीपी आप करोगे, ठीक है? क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, ठीक है। एच सी वर्मा मैंने सुनो, मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो भी अभी आपको करने हैं वापस। तो क्वेश्चन नंबर 32, 33 किया होगा तभी भी वापस फास्ट करो, ठीक है? 35 क्योंकि उसके बिना आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? 30 उसके बाद जिस ऑर्डर में दे रहा हूं उसी ऑर्डर में करना है। क्वेश्चन नंबर 40 करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 करना है, क्वेश्चन नंबर 38 करना है, ठीक है? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 करना है, बस ये आपको करना है। और ठीक है, और उसके बाद जो जिसको जो नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में दिमाग लगाना है, ठीक है? बाकी भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, 35 भी अच्छा है, ठीक है? और 45 फॉर एडवांस, ठीक है? 44 एंड 45, नहीं आज नहीं बना पाएंगे क्योंकि आज आपका कट टू कट उधर उस बैच में बनाएंगे, ठीक है? चलो बाय गाइस, बाय।